वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल कश्मीरी फार्मिंग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और मज़े में होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आमिर है, मैं एक शीप फार्मर हूँ। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि शीप फार्मिंग जो है वो तीन कंपोनेंट्स उसमें, जैसे पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था तीन चीज़ों का होना ज़रूरी है शीप फार्म में, ब्रीडिंग, फीडिंग एंड मैनेजमेंट। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है फीडिंग के ऊपर। तो दोस्तों, फीड जो है ये फूड होता है जो हम अपने पशु को देते हैं ताकि उसकी जो है ग्रोथ वो कंटिन्यू चल सके। तो फीड में हम इनको साइलेज, हे और फीड देते हैं। फीड दो तरह की होती है, जैसे एक मार्केट में अवेलेबल होता है, दूसरा जो हम जो है वो होम मेड बना देते हैं। तो जो मार्केट में जो फीड होती है वो उसके बाद जो लिखा होता है इसमें इतना कैल्शियम होता है, इसमें इतना फास्फोरस होता है, इतना प्रोटीन होता है, इतना मिनरल मिक्सचर होता है, लेकिन एट द एंड जब हमारा जो रिज़ल्ट आता है वो फिर रिज़ल्ट हमें अच्छा नहीं आता है, उसका उस पर बस लिखा ही होता है। तो ये हमने मुनासिब समझा ये वीडियो बनाना ताकि जो फार्मर जो है उस तक के नॉलेज पहुंच जाए कि कैसे हम होम मेड फीड तैयार करेंगे लो कॉस्ट। तो सबसे पहले जो है हमें रॉ मटेरियल्स में चाहिए वो मेज, ब्लैक चना, धान, चोकर, थली और राइस का ब्रांड और मिनरल मिक्सचर और साल्ट। फिर इसको हम थोड़ा सा ऐड उस टाइम जब हम ये पशु को देंगे उस टाइम इसको मोलासेस भी ऐड करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है मेज, इसकी कितनी क्वांटिटी, मान लीजिए अगर हमें एक क्विंटल का जो है वो फीड तैयार करना होगा, इसमें हम 10 kg का पहले, मान लीजिए हमारे पास 10 kg का मेज़ है, ये हम डालेंगे पहले जो है वो बड़े कंटेनर में। इसके बाद जो है ब्लैक चना, ये भी मान लीजिए 10 kg का है, ये हमने डाल दिया बड़े कंटेनर। और धान जो है ये भी 10 kg का, तो ये हमारा बन गया 30%। पहले धान जो है इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है और फाइबर होता है, और ब्लैक चना जो है इसमें जो है विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट और जिंक और भी बहुत कुछ होता है। और मेज़ जो है ये सोर्स ऑफ प्रोटीन माना जाता है जो कि एक अहम गज़ा है पशु के लिए, इसमें जिंक भी पाया जाता है, आयरन भी पाया जाता है, तो ये सबसे बढ़िया होता है फीडिंग के लिए। इसके बाद हम लेंगे जो है, पहले हमारा ये 30% का हो गया एक क्विंटल का, तो इसके बाद हम लेंगे कॉटन खल, ये भी एक बहुत ही हाई रिच ऑफ प्रोटीन सोर्स जो है होता है, ये भी मान लीजिए ये हम लेंगे तकरीबन 25%, 25 kg का ये है, ये भी हम इसमें डालेंगे। इसके बाद जो है हमें जो है चोकर, मगर ये दाने वाला होना चाहिए, ये दाने वाला जो होता है ये प्योर होता है, ये हम इसमें जो है 32% डालेंगे, हमने इसमें 32% डाल दिया। तो दोस्तों, इसके बाद जो है हम इसमें डालेंगे राइस का ब्रांड, जो राइस का वेस्ट निकलता है वो हम इसमें डालेंगे, तो ये भी जो है 10 kg का हमने इसमें डाल दिया। इसके बाद जो है इसमें मिनरल मिक्सचर डालना, इसमें सारा जो है मिनरल और जो है विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं, इससे क्या होता है, एक तो इससे मिल्क जो यील्ड वो हो जाएगा ज़्यादा और इनकी ये इम्प्रूव करेगा रिपेयर टू। और ये ग्रोथ रेट जो है वो भी इससे जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ये हम तकरीबन इसमें ये डालना है एक क्विंटल में 1 kg, ये हम 1 kg का इसमें बराबर डालेंगे।
तो ये जो हमने डाल दिया मिनरल मिक्सचर, या आप अपनी चॉइस से ला सकते हो। हम किसी भी कंपनी का जो है वो ये नहीं बताएंगे, आप उस कंपनी का लाओ, इस कंपनी का लाओ। इसके बाद हमें जो है साल्ट, वो भी हम इसमें 1 kg का डालेंगे, मतलब 1% साल्ट भी हम इसमें 1 kg का डालेंगे। तो ये साल्ट भी जो है 1 kg का हमने डाल दिया। अब जो ये सारा कुछ हमारा जो ये बन गया है, इसको हम अब मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो है हम अपने जो है ये शीप, या चाहे आपके पास गाय है या और कोई जानवर, उनको हम ये देंगे, फिर इसका हम रिजल्ट देखेंगे। तो दोस्तों, जो हमने फीड बनाई थी, अब हम इसको मिक्स करेंगे ताकि जो मेज के दाने जो है, चोकर है, मिनरल मिक्सचर है, सॉल्ट है, ये मिक्स हो जाएगा। फिर हम अपने बेड को डालेंगे, फिर हम इसका टेस्ट करेंगे कैसे जो है वो बेड खाएंगे इसको। पहले हम इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा सा वाटर जो ऐड करेंगे ताकि जो डस्ट वगैरह है वो अब और एक काम इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमने मोलासेस ऐड करना है, वो अब हम ऐड कर सकते हैं। इसमें ग्लूकोज प्रेजेंट होता है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि आपस में मिल जाएगा। मैं आपको थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लग जाएगी, मगर इसका रिज़ल्ट जो है वो बढ़िया होगा। अब जो है ये हम इसमें डालेंगे, इसमें ये रखेंगे ताकि जो बेड है वो इसी में इसको खाएंगे। दोस्तों, अब हम अपने बेड को बाहर छोड़ेंगे, देखते हैं उसको खाते हैं या नहीं। दोस्तों जो फीड है ये आप वेट के हिसाब से इनको दे सकते हो। मान लीजिए अगर आपका वेट जो है वो 50 kg का है, उसको आप जो है आधा किलो दे सकते हो। अगर आपका वेट उससे ज़्यादा है, फिर वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना दोगे। क्योंकि ये हमने होममेड जो बनाया है, इसमें जो है वो सब कुछ जो है मिनरल विटामिन प्रोटीन्स सब कुछ। देखो दोस्तों कैसे
अच्छे से इसको खा रहे हैं। तो दोस्तों देखा आपने कैसे इन शीपों ने अच्छे से ये खाया। जैसे हम अपने लिए जो है बैलेंस डाइट खाते हैं, वैसे हमें इनका भी ख्याल रखना जरूरी होता है, ताकि जो शीप जो है इसकी ग्रोथ अच्छे से हो जाए और हमें जो है वो फायदा आ जाएगा। अब जो है हम इसका रिजल्ट कैसे देखेंगे। अगर आपने आप एक काम कर सकते हो, अगर आपके पास 20 शीप से 20 भेड़ है, आप 10 को अलग से रखो, 10 को अलग से रखो, तो फिर जो आपका ग्रुप ए जो है उनको आप बाजार का जो फीड होता है, जो पैकिंग में होता है वो दे, और जो ग्रुप बी है उसको जो है वो होम मेड जो फीड दे दे। फिर इसका जो है वेट आप ए का भी चेक करो और बी का भी चेक करो, और फिर 15 दिन के बाद आप खुद ही रिजल्ट देखोगे, जो हमने होममेड जो फीड तैयार की है उसका जो है वेट अच्छा आएगा, उसका ग्रोथ भी अच्छा हो जाएगा। तो आज का वीडियो जो है ये यहीं पर इख्तिताम होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू।